हेलो फ्रेंड्स, मैके प्यार क्यों स्वागत है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यह बुक है डी एस कुमार। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वीडियो बनाकर डिस्कस करता हूं। देखिए, चैप्टर है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 312 है क्रेटर बियर इज प्रीडोमिनेंट इन। ऑप्शन ए कार्बन स्टील टूल्स, ऑप्शन बी टंगस्टन कार्बाइड टूल्स, ऑप्शन सी सिरेमिक टूल्स, ऑप्शन सी है डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है इसका हाई स्पीड स्टील टूल्स। सो फ्रेंड्स, क्रेटर बियर होता है टंगस्टन कार्बाइड टूल्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 313 है फ्लैंक बियर। फ्लैंक बियर अकर्स मेनली ऑन। फ्लैंक बियर होता है ऑप्शन ए कटिंग एज पर, ऑप्शन बी नोज पार्ट एंड टॉप फेस, ऑप्शन सी नोज पार्ट फ्रंट रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल, ऑप्शन डी फेस ऑफ द कटिंग टूल एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नोज पार्ट फ्रंट रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस ऑफ द कटिंग टूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 314 है फ्लैंक बियर अकर्स ऑन। ऑप्शन ए रैक फेस, ऑप्शन बी रिलीफ फेस ऑफ द टूल, ऑप्शन सी नोज ऑफ टूल, ऑप्शन डी कटिंग एज। तो फ्रेंड्स, फ्लैंक बियर होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है रैक फेस पर, ठीक है, फ्लैंक बियर होता है रैक फेस पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 315 है नॉच बियर एट द आउटसाइड एज ऑफ द डेप्थ ऑफ कट इज ड्यू टू। ऑप्शन ए एब्रेसिव एक्शन ऑफ द वर्क हार्डेंड चिप मटेरियल, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी चिपिंग, ऑप्शन डी स्लिप स्टिक एक्शन ऑफ द चिप। फ्रेंड्स, नॉच बियर होता है आउटसाइड एज पर एब्रेसिव एक्शन ऑफ द वर्क हार्डेंड चिप मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में होने की आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 316 है द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लीप एंगल, ऑप्शन बी कटिंग एंगल, ऑप्शन सी रैक एंगल, ऑप्शन डी सीयर एंगल। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उसे कहते हैं रैक एंगल। क्वेश्चन नंबर देखिए 317 है इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द कटिंग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल। मेटल कटिंग ऑपरेशन में कटिंग एंगल डिफाइंड करता है कौन सा? ऑप्शन ए बिटवीन द फ्लैंक एंड द हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस, ऑप्शन बी बिटवीन द सीयर प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, ऑप्शन सी बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द लाइन टेंजेंट टू द मशीन सरफेस एट द कटिंग पॉइंट, ऑप्शन डी बिटवीन द टूल फेस and the ground end surface of flank, option E between the tool face and the plane parallel to the base of cutting tool. So friends, option number C correct है between the face of tool and the line tangent to the machine surface at the cutting point. option number C correct है। Question number 318 है the angle between the side cutting edge and the end cutting edge is known as। ऑप्शन ए क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन बी नोज एंगल, ऑप्शन सी एंड रिलीफ एंगल, ऑप्शन डी साइड रैक एंगल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है नोज एंगल। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 319 द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। ऑप्शन ए रैक एंगल, ऑप्शन बी क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी लीप एंगल, ऑप्शन डी पॉइंट एंगल। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसे कहते हैं क्लियरेंस एंगल। फ्रेंड्स, इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं मैं डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।